नमस्ते वनकम सत श्री अकाल गुड मोदी के मॉर्निंग। दोस्तों पिछले दो महीने अप्रैल और मई सबके लिए पर्सनल फ्रंट पर बहुत ही चैलेंजिंग रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां तक कि हमने कुछ अपने दिग्गज लीडर्स को इस पैंडेमिक के दौरान खोया है। गॉड ब्लेस देयर सोल्स, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इस सब माहौल के बावजूद आप सब ने, मोदी केरियंस ने जिस तरह से आजादी की मशाल को संभाल के रखा है, बिजनेस को संभाल के रखा है, ये काबिले तारीफ है और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इसका सबसे बड़ा सबूत है हमारी गोवा की क्वालिफिकेशंस, गोवा वाइजैक, जिसमें लगभग 20,000 कंसल्टेंट्स ने क्वालिफाई किया है। ये अब तक की हमारी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। हाँ, लेकिन ये बात भी एकदम सही है कि पिछले दो महीने में जो सबसे बड़ा चैलेंज उभर के आया है बिजनेस के सामने, वो है हमारी न्यू ज्वाइनी एक्टिवेशन। जाहिर सी बात है, कोरोना के टाइम न्यू ज्वाइनी के नंबर्स काफी ड्रास्टिकली ड्रॉप हुए हैं। अप्रैल और मई में उसका बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं आया है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हमने न्यू ज्वाइनी नंबर्स को वापस अपने पुराने लेवल पे हम नहीं लेके आए, तो उसका इंपैक्ट आपको अगले दो से तीन महीने में नजर आएगा अपने बिजनेस पर, अपने चेक्स पर। तो इसे हमने होने से रोकना है। इसलिए इस महीना जो सबसे बड़ा, जून और जुलाई में जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो है हमारे न्यू ज्वाइनी नंबर्स, न्यू ज्वाइनी एक्टिवेशन। आप लोग सब जानते हैं कि लॉयल्टी हमारा एक फाउंडेशनल प्रोग्राम है, सबसे अहम प्रोग्राम हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम है। और लॉयल्टी और रीपर्चेज मिलकर हमारा जो ग्रास रूट लेवल पर जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाते हैं और ये हमारे बिजनेस की आधारशिला है। इस लॉयल्टी प्रोग्राम में हमने एक बड़ा बदलाव किया है जो जून और जुलाई के लिए एप्लीकेबल होगा, जिसे आप सब जानते हैं, इसका नाम है लॉयल्टी एक्सप्रेस। दोस्तों एक जमाना था जब हम सब टीवी के सामने 5 दिन का टेस्ट मैच देखते थे और उस 5 दिन के टेस्ट मैच में भी एक रेस्ट डे होता था, यानी लगभग 6 दिन तक ये मैच चलता रहता था, लेकिन हम टीवी के सामने लगे रहते थे, देखते रहते थे उसे सुबह से शाम। फिर उसके बाद वक्त बदला, वनडे मैचेस आए और जब वनडे मैचेस आए तो टेस्ट मैचेस को देखना लोगों ने बंद कर दिया। उसके बाद T20 आया, जब T20 आया तो वनडे मैचेस भी बहुत लंबे लगने लगे, बहुत बड़े लगने लगे। ये जमाना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है, यानी आज मैं जो करता हूं उसका रिजल्ट मुझे तुरंत मिलना चाहिए और यही बेसिस है लॉयल्टी एक्सप्रेस का। अब आपको कुछ आंकड़े मैं शेयर करना चाहता हूं, कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर हमारे पास 100 लोगों ने एक महीने में ऑर्डर, मान लीजिए 100 लोगों ने एक महीने में ऑर्डर प्लेस किया, उसमें से मात्र 30 लोग लॉयल्टी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, यानी पहले महीना सिर्फ 100 में से 30 लोगों ने लॉयल्टी में पार्टिसिपेट किया। इन 30 लोगों में से 50% लोग सेकेंड मंथ तक आते आते लॉयल्टी से बाहर हो जाते हैं, यानी पहला महीना मात्र 30% लोगों ने किया और अगले महीना उस 30% का 50% लॉयल्टी से बाहर हो गए। और 6 महीने तक आते आते सिर्फ 8% लोग, 8% लोग 6 मंथ की लॉयल्टी क्वालिफाई करते हैं और 12 महीने की क्वालिफिकेशन तक पहुंचने वाले, हालांकि आपको लगेगा बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मात्र 2%, और कुछ किसी महीने में तो 2% से भी कम, less than 2% क्वालिफाई फॉर 12 मंथ लॉयल्टी। अब सोच के देखिए व्हाट विल हैपन, कैसा हो कि जो पहले महीने में 100 में से 30 लोग ही लॉयल्टी में पार्टिसिपेट करते थे, वो ये देखकर कि अब टेस्ट मैच वनडे हो गया और वनडे शायद T20 हो गया है, ये सोचकर कि दूसरे ही महीने में मुझे रिवॉर्ड मिल सकता है, कि आपको नहीं लगता है कि ये 100 में से 30 लोग जो आज लॉयल्टी में पार्टिसिपेट करते हैं कि ये नंबर कम से कम 20% 30% से ऊपर जाएगा?
क्या आपको नहीं लगता है कि अब 2 महीने के बाद ही जब कंसल्टेंट को रिवॉर्ड नजर आएगा तो ज्यादा से ज्यादा कंसल्टेंट लॉयल्टी का हिस्सा बनेंगे, लॉयल्टी में पार्टिसिपेट करेंगे। सोचिए कि अगर 30% फनल का साइज है वो अगर पहले ही महीने 50% या 60% हो जाएगा, तो जैसा कि हम डायरेक्ट सेलिंग में जानते हैं कि अगर फनल का साइज बड़ा होगा तो जितने लोग हमारे साथ रहेंगे आगे उसका भी प्रोपोर्शन उसी हिसाब से बड़ा होगा। और जब दूसरे महीने में उनको रिवॉर्ड मिलेगा, मान लीजिए 2500 की एवरेज सेल करते हैं, 2500 दो महीने करते हैं, 5000 की परचेज करते हैं, तो 500 रुपए का कूपन उनका जनरेट हो जाता है। ये एक अच्छा इंसेंटिव है सिर्फ 2 महीने में अर्न करने के लिए। लेकिन मजे की बात यह है कि आप उनको बोलेंगे कि जब आपने ये 500 रुपए का वाउचर अर्न कर लिया है, जितनी सेल पे अर्न किया यानी 2500 + 2500, अगर आप इतनी ही सेल और करते हैं यानी तीसरे महीने में 2500 और चौथे महीने में 2500, तो आपका जो टोटल रिवॉर्ड हो जाता है जितना अभी तक वाउचर आपने अर्न किया है 500 रुपए का, उसका डबल वाउचर और आपके लिए रिजर्व हो जाता है। तो आप उनको जाके बोलेंगे कि अब आपने 4 महीना कंप्लीट कर लिया तो आपके पास 1500 यानी 2500 रुपए के ऑर्डर आपने 4 महीने किए, तो आपका 1500 रुपए का वाउचर कंपनी के पास सिक्योर हो गया। अब हमें यह डेटा बताता है कि जो लोग 4 महीने तक पहुंचते हैं उसमें से लगभग 80-90% लोग 6 महीना कंप्लीट करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी 4 महीने तक पहुंचे 100% लोग 6 मंथ्स तक क्वालिफाई करें। तो मुझे बताइए कि वो क्यों नहीं करेंगे अगर आप उनको बोलेंगे कि 4 महीने में अगर आपने 1500 रुपए का रिवॉर्ड अर्न किया है तो अगले सिर्फ 2 महीने में अगर आप फिर 2500 और 2500 का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो जितना रिवॉर्ड आपने अर्न किया है 5000 रुपए की सेल पर, जितना रिवॉर्ड आपने अभी तक अर्न किया है उतना ही रिवॉर्ड आपको और मिल जाएगा। यानी 1500 रुपए आपने 4 महीने तक अर्न किया और 1500 आपको अगले 2 महीने की परचेजेस पर मिल जाएगा। और खरीदना क्या है, आपको वही सब खरीदना है दुकान बदल के जो आप नॉर्मल तौर पर अपने प्रोविजंस में परचेज करते हैं। सो रेगुलर मोदी केयर प्रोडक्ट्स। दोस्तों सोच के देखिए कि इस प्रोग्राम को अगर हमने अच्छे से अग्रेसिवली एकजुट होकर ड्राइव किया तो आपकी सेल्स डबल होगी या नहीं होगी। और अगर आपकी सेल्स डबल होती है तो जाहिर सी बात है आपके और आपकी टीम के चेक्स भी उसी प्रोपोर्शन में आगे बढ़ेंगे। और एक न्यू ज्वाइनी जिसको आप 6 महीना और 12 महीने का रास्ता दिखाते हैं, अगर उसको आप दिखाएंगे कि अगले 2 महीने में बेबी स्टेप्स, जो डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी सेलिंग स्टोरी होती है कि हम आपको बेबी स्टेप्स से ऊपर तक पहुंचाएंगे, इससे अच्छे बेबी स्टेप्स, इससे सक्षम केपेबल बेबी स्टेप्स कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है। हाँ ये बात सही है कि जो 12 महीने की लॉयल्टी वाले हमारे जो 2% कंसल्टेंट्स हैं हमारे पूल में, उनका जो रिवॉर्ड था वो पहले 12 महीने के रिवॉर्ड से 80% हो गया है, 80% भी कम नहीं होता है। लेकिन उन्हें इस चीज पर फोकस करना है कि वो अगर लॉयली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, 12 महीने तक बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी आजादी हासिल करने के लिए आए, सिर्फ फ्री प्रोडक्ट्स लेने के लिए मोदी केयर से नहीं जुड़े। और वो आजादी कब हासिल करेंगे, वो आजादी तब हासिल करेंगे जब वो टीम बिल्ड करेंगे। और टीम आप तब बिल्ड कर पाएंगे जब आप न्यू ज्वाइनीज को, नए लोगों को, प्रॉस्पेक्ट्स को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। जैसे ही आप लोगों के सामने ये लॉयल्टी एक्सप्रेस की स्टोरी लेके जाएंगे, आप 12 महीने की लॉयल्टी करने वाले हैं, आप जैसे ही स्टोरी को अपने प्रॉस्पेक्ट्स के पास लेके जाएंगे, प्रॉस्पेक्ट्स इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ेंगे नहीं, जंप करेंगे इस अपॉर्चुनिटी की तरफ। तो जब प्रॉस्पेक्ट्स आपसे आके जुड़ेंगे आपकी टीम का साइज बड़ा होगा, आपके चेक्स बड़े होंगे, आपकी आजादी एक्सेलरेट होगी और साथ ही साथ आपकी 6 महीने की 120% लॉयल्टी, जो अगले 6 महीने में फिर 120% आपको मिलेगी, वो कायम रहेगी। सो दिस इज अ प्रोग्राम विच इज अ विन विन फॉर एवरीबडी। ये सबके लिए जबरदस्त प्रोग्राम है। अगर इस प्रोग्राम को, लॉयल्टी एक्सप्रेस को हमने एकजुट होकर ड्राइव किया तो मैं ये आपको
बता रहा हूं कि आपका बिजनेस डबल होगा ही होगा. नोबडी कैन स्टॉप योर बिजनेस फ्रॉम ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली. और जब आपका बिजनेस डबल होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके चेक्स भी उसी प्रोपोर्शन में, आपके और आपके टीम के चेक्स भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे. लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम को हमने सिर्फ 2 महीने के लिए एज ए ट्रायल रन इंट्रोड्यूस किया है, यानी ये महीना जून और जुलाई. अगर ये प्रोग्राम अपने रिजल्ट्स डिलीवर करता है तो हम इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करेंगे. अगर ये अपने रिजल्ट्स, जो हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, हमारा क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट, हमारी सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी प्रोग्राम को लॉन्च करने की, इतना एक्सपेंसिव प्रोग्राम हमने ये लॉन्च किया है, इससे कंपनी की कॉस्ट बहुत हद तक बढ़ गई है, ये किस लिए किया है? ये आपके लिए किया है, जिससे आपके चेक बढ़े, आपकी सेल बढ़े. अगर हमें लगता है 2 महीने के बाद कि इससे हमारे ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें इस प्रोग्राम को चेंज कर और अट्रैक्टिव बनाने से कोई नहीं रोक सकता है. आप और हम मिलकर इस प्रोग्राम को और अट्रैक्टिव बनाएंगे. अगर जरूरत पड़ी तो शायद पुराने वाले प्रोग्राम को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके शायद हम उसको और अट्रैक्टिव बनाकर वापस ले आएंगे. ये जून और जुलाई मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरे एनर्जी के साथ, फोर्स के साथ इसको ड्राइव करें, न्यू ज्वाइनीज को लेके आए. हमें 3 लाख न्यू ज्वाइनी जून में चाहिए और जुलाई में भी 3 लाख से कम न्यू ज्वाइनीज नहीं आने हैं. अगर हमने जून और जुलाई में 3-3 लाख न्यू ज्वाइनीज को सिक्योर कर लिया दोस्तों, रेस्ट ऑफ द ईयर विल बी टेकन केयर ऑफ. सो आइए चलते हैं, लॉयल्टी एक्सप्रेस को आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लॉयल्टी एक्सप्रेस पर लेके आते हैं, धंधे को, बिजनेस को डबल करते हैं, आपके चेक्स को डबल करते हैं. और इसी उम्मीद के साथ कि हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे फिजिकली, आई वुड से ऑल द बेस्ट टू यू, गुड लक. अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, एंड सी यू वेरी सून.